नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हमारी सीएम की जो गाइडलाइन है, ममता बनर्जी का जो गाइडलाइन है, उसको भी सब फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मान रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो लोग भी मानेंगे। और उसके लिए हम लोग आवाज प्रोग्राम चला रहे हैं। मल्टी म्यूनसिपैलिटी में सभी जगह के इमाम को लेकर के किस लिए मीटिंग किया गया? देखिए, आज इलाके के तमाम जो हमारे मस्जिद है, मस्जिद के इमाम जो हैं, उन लोगों को बुलाए हैं और एक प्रेस मीट किए हैं कि हमारी मगरिब बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी जो गाइडलाइन दी है, आवाम से जो अपील कर रही है कोरोना कोविड-19 के लिए, कि ये एक जानलेवा बीमारी है और ये बीमारी से पूरा मुल्क परेशान है और हिंदुस्तान भी आज परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। तो इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इस बीमारी से कैसे लड़ी जाए, उसकी तैयारी के लिए तमाम आवाम से गुजारिश कर रही है कि ये दूरी बनाए रखें, फासला बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस जो है उसको फॉलो करें, उनको मेंटेन करें। उसके लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे मेयर साहब, चेयरमैन साहब, डिप्टी मेयर, MIC, काउंसिलर जितने भी हैं, सब अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस को मानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग बच पाएंगे। इस बीमारी का सबसे बड़ा हथियार, ये सबसे बड़ी लड़ाई है जो है, वो है सोशल डिस्टेंस, इसको मेंटेन करना होगा। एक बात, दूसरी बात, मैं मगरिब बंगाल के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी CM ने गाइडलाइन दिया है, लोग उसको मान रहे हैं। कुछ लोग जो हैं सड़कों पर, रोड पर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मान जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि कोविड क्या है, कोविड-19 क्या है, और ममता बनर्जी क्यों बोल रही है। ये अपने लिए नहीं बोल रही, बल्कि अपने पूरे रियासत के जितने आवाम हैं उनके लिए सोच रही है। तो जो लोग आज रोड पर हैं वो लोग भी मान जाएंगे। नेमतपुर में मसला था, भीड़ भाड़ का था, ये भी हम लोग मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, लोग जागरूकता हो रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे मेयर साहब इलाके में बहुत काम कर रहे हैं, कोविड के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जिस तरह हमारी CM एक्टिव है, उस तरह हमारे मेयर साहब भी आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कोई भी इलाका नहीं है जहाँ पे वो नहीं जा रहे हैं या उनका नुमाइंदा नहीं जा रहा है। हम लोग सभी काम कर रहे हैं। आज का ये जो मीटिंग था, ये कॉन्फ्रेंस किए हैं, ये दरअसल कल आने वाली शब रात है, कल 9 अप्रैल को शब बरात है, और शब रात के मौके पर तमाम मुस्लिम भाई हमारे मस्जिद में इबादत करते हैं, सारा रात नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, और दरूद फातिया के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। जो उनके अहले मने ख़ानदान से जो लोग गुजर गए हैं, उसके इशाले सवाब के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, वह फातिया पढ़ते हैं। तो ममता बनर्जी का गाइडलाइन है कि इसको फॉलो करें, कब्रिस्तान ना जाएं, सोशल डिस्टेंस को बनाए हुए रखें, जो लॉकडाउन अभी चल रहा है लॉकडाउन में परहेज करें, मस्जिद ना जाएं, घर से इबादत करें, कब्रिस्तान ना जाएं, बल्कि घर से ही फातिया पढ़ें, इनके लिए बोला जा रहा है। और ये मैसेज आवाम को देना चाहते हैं कि इस पर अमल करें, और लोग अमल भी कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी जो हमारी CM है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नमाज़ मत पढ़िए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मंदिर मत जाइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गुरुद्वारा या गिरजा मत जाइए, नहीं जाइए। सभी धर्म के लोगों को, मजहब के लोगों से अपील की है कि भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, और आप पूजा भी करें, आप गिरजा भी जाएं, गुरुद्वारा भी जाएं, मस्जिद भी जाएं, लेकिन जब हालात मामूल पे आ जाए उसके बाद आप जाइए। ये मना नहीं कर रही पूजा करने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए। बैठक में कौन कौन शामिल होते? आज के बैठक में हमारे बोरो चेयरमैन संजय नूनिया साहब हैं, और हमारे मौलाना व खतीब कुरबान भाई साहब हैं, हमारे मायूटी के नेता हैं, और इमाम व खतीब जामा मस्जिद के इमाम हैं, बैतुल अमन मस्जिद के इमाम हैं, शक्तुड़िया से आए हुए हैं अतीकुर रहमान साहब हैं, मौलाना अब्दुल मजीद कासमी साहब हैं, मुजफ्फर हुसैन साहब हैं। आज के बैठक में जो शिवरात को लेकर जो बात हुआ, तो सभी पक्ष मान गए इसको, आपकी बातों को मान रहे हैं? ये तो हम पैगाम दे, ये ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये मेरा हुक्म नहीं है कि आपको मानना होगा। ये लोगों से अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं
कि आप सोशल डिस्टेंस को बनाए हुए रखें। लॉकडाउन जो किया गया है, मकसद इसका यही है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, और आप इबादत कीजिए घर से, मकान से कीजिए। अपने लॉकडाउन जब से लागू हुआ है, लॉकडाउन का उल्लंघन करना गैर कानूनी है। जी हाँ, चाहे मंदिर जाइए चाहे मस्जिद जाइए, तो अगर स्वराज के दिन अगर जबरदस्ती कब्रिस्तान जाता तो क्या कानूनी कार्रवाई होगा उसको? देखिए, ये लोगों से अपील की जा रही है, आपने देखा होगा इससे कबल रामनवमी था 2 तारीख को, हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूं कि लॉकडाउन जो है उसको मैंने उन लोगों ने माना, कोई मंदिर नहीं गए, अपने अपने घरों से पूजा की, बेशक कीजिए आप, कभी मना नहीं किया गया है। और हमारी ममता बनर्जी की गाइडलाइन पर हमारे मुस्लिम भाई जुमा का नमाज मस्जिद पर अदा नहीं कर रहे हैं, सब अपने घर पर अदा कर रहे हैं। और अभी जो कब्रिस्तान जाने की मसला है, सवरात की है, मस्जिद और कब्रिस्तान की जो मामला है, इस पर भी इंशाल्लाह सभी अमल करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई जबरन करेंगे, इंसान है, समझते हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, और आज तक का जब मान रहे हैं तो कल क्यों नहीं मानेंगे, ज़रूर मानेंगे।